अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़ो ना, तुम बताओ सरगी टेस्टी होती है ना, तुमने कभी खाई है? पर क्या तुमने थोड़ी खाई होगी। अच्छा, तुमने बड़ा खाया? अरे बड़ा नहीं, बहुत खाया, बहुत, और हर साल खाता। मुझे ना सरगी बहुत टेस्टी लगती है। हाँ पता है, सरगी खा के ना मुझे इतनी सुकून की नींद आती है, पूरे ना चार घंटे एक्स्ट्रा सोता हूँ, 4 घंटे सुकून से। अच्छा है तुम्हारे लिए तो। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता ही है कि सोना तुम्हारा फेवरेट काम होगा। ओ हेलो, मैं ना ऑफिस भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ। वो अलग बात है कि थोड़ा सोना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं दी को देखने गई थी। और तुम जाओ ना, वहाँ पे सरगी चल रही होगी, क्या पता खत्म हो जाए। नो वे, सरगी कभी खत्म नहीं होगी। युग के लिए हर साल सरगी एक्स्ट्रा बनती है। सबको पता है मुझे सरगी बहुत टेस्टी लगती है। तुम चलोगी मेरे साथ सरगी खाने? नहीं, सोना है। ओ सोना है, अभी तो मुझे बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे रही थी। अब खुद के लिए है ना सोना इम्पोर्टेंट कि नहीं? हाँ है इम्पोर्टेंट, बट इतना भी नहीं कि उसके लिए मुझे सरगी खाने की जरूरत पड़े। और वैसे भी इतने सुबह उठी तो क्या ही करूंगी, तो मैं जा रही हूँ सोने। तो तुम पक्का नहीं आ रही मेरे साथ? नहीं। तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? क्या क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं तुम्हें गेस्ट रूम तक ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं तुम्हें गेस्ट रूम पता होगा कि नहीं, तुम किसी और के कमरे में चली गई। बस करो, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और तुम बोलो भी मत, ठीक है? तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा। अरे नहीं दिया, अरे तुम्हारे मुँह से कुछ भी निकलता, कुछ भी बोले जाते हो तुम। एक काम करो, तुम चुप बैठा करो, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे दिया, मैंने कहा ना, मेरा वो मतलब नहीं था यार, तुम गलत ले रही हो सच में। क्या हो रहा है युग? मॉम कुछ नहीं, मैं बस वो आपकी सरगी की थाली का वेट कर रहा था। लाए हो आप? ले, तेरे लिए ही लाई थी। मुझे पता है तुझे सरगी का खाना कितना पसंद है, इसलिए एक्स्ट्रा बनवाया था। थैंक यू सो मच मॉम, यू आर ग्रेट। बार समझाया है मैंने कि इस लड़की से ज्यादा दोस्ती मत कर, समझ में नहीं आता तुझे? मॉम फिर वही बात। क्या फिर वही बात? हाँ मैं फिर वही बात कर रही हूँ। हाँ, और मेरे मना करने के बाद तू फिर से वही हरकत कर रहा है, उसका क्या? तू ये सब करेगा तो मैं बोलूंगी नहीं तुझे। मॉम प्लीज। एक मिनट युग, कहीं इस लड़की ने तेरे लिए करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखा? सच सच बता युग। मॉम प्लीज प्लीज, दिया ने ऐसी लड़की है नहीं, उसे ना रीति रिवाजों की बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत संस्कारी है। वो व्रत तभी रखेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। ये सब उसने तुझसे कहा? ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम दोनों के बीच बात इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम लोग करवा चौथ के बारे में डिस्कस कर रहे हो। कम ऑन मॉम, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आप तो वही सोचोगी जो आपको सोचना होगा, मैं कुछ भी कहूंगा तो आपको गलत ही लगेगा, राइट? दिस इज टू मच मॉम, सीरियसली दिस इज टू मच। आप ये थाली को प्लीज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।